Assalamualaikum students, मैथमेटिक्स चैनल में मैं आपको वेलकम करता हूं और मैं आपसे सबसे ये कहता हूं कि सब्सक्राइब आपने कर दिया है अपने दोस्तों से और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से सब्सक्राइब करवाएं और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आपको वीडियोस जो है वक्त पे मिलती रहे। एग्जाम फाइनल एग्जाम आने वाला है, घर बैठ के इत्मीनान से स्टडी कीजिएगा। जब मैथ्स का पेपर होगा दो तीन दिन का गैप आएगा तो उन दो तीन दिन में आपने सारी वीडियोज हमारे टॉपिक के डिलीवर हो चुकी है, सारी देखनी है ताकि एग्जाम में आपके अच्छी प्रिपरेशन हो जाए, ठीक है। अच्छा भैया, हम शुरू कर रहे हैं। हमारा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया चल रहा था। हमारा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में जैसे मैं आपको ये बताऊं, देखें वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, और चले भाई अब जरा आप लोगों से थोड़ा सा हेल्प चाहिए, साथ साथ आप भी थोड़ा सा मुझे बताते चले जाए। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया मुझे बताइए, अगर क्योंकि हम प्रिज्म की बात कर रहे हैं और प्रिज्म का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, देख लीजिए भाई। बेस एरिया आप इधर देखिए, पिछली क्लास में हमने ये सीखा था कि प्रिज्म में ट्रायंगुलर प्रिज्म पढ़ लिया था, ट्रेपेजियम वाला प्रिज्म पढ़ा था, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म पढ़ा था। लेकिन अब हम यहाँ पर जो हमारी जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो हम सिलेंडर पढ़े, क्योंकि सिलेंडर भी एक प्रिज्म है। सिलेंडर प्रिज्म क्यों है, ये देखो, ये सर्कल है, ये वहां चला गया, ये भी वहां चला गया, ये क्या हो गया, इधर भी सर्कल उधर भी सर्कल। मैंने क्या बोला, प्रिज्म की डेफिनेशन क्या बताई थी, ये जो एक शेप इधर और दूसरी भी। अब यहाँ पर मैं आज एक चीज ऐड करवाऊंगा आपसे, एक शेप इधर है, दूसरी भी, दूसरी शेप भी उधर, तो इनके जो पॉइंट्स है यहाँ से जो वह मीट कर रहे हैं वो सारे मीट होने चाहिए। तो इस सर्कल में ये दो ही यहाँ पे मैंने लिए हैं, तो एक बात यहाँ पर और ऐड कर लें कि ये जो पॉइंट वहां जाके उससे मीट होते हैं अपने जैसे से, वो पैरेलल होते हैं। ये देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, वो वहां ट्राइंगल में भी यही था, ये मैं बना के मिटा दूंगा अभी। ये देखो, अगर मैं कोई ऐसी ट्राइंगल लेता हूँ ये, और ऐसी ही ट्राइंगल मैं यहाँ बना, नजर आ रहा है क्या, हाँ नजर आ रहा है, ऐसी ही ट्राइंगल मैं यहाँ बना, देखो ये देखो पैरेलल, ये जितने वर्टिसेस हैं सब क्या होंगे, हेलो सारे वर्टिसेस क्या है आपस में बताओ, सारे लाइंस पैरेलल है। चलो इसको एल वन कह देता हूँ, एल टू, एल थ्री, दीज आर ऑल पैरेलल। आज मैंने ये ऐड करवाया क्योंकि पहले आप बच्चे थे, थोड़े समझने में टाइम लग रहा था, आज थोड़ा सा मैंने खुल के बोल दिया कि वही शेप उधर है, उसके सारे पॉइंट वहां जाके मिलते हैं लेकिन पैरेलल मिलते हैं। अगर पैरेलल नहीं होंगे वो प्रिज्म ही नहीं होगा, ये मैं बता दूं आप, प्रिज्म फिर नहीं होगा, पैरेलल बनेंगे तो प्रिज्म बनेगा। इसको मिटा देते क्योंकि ये हम काफी कर चुके हैं, इससे हमारा खेल काफी हो चुका है, आप सिलेंडर से खेल खेलते हैं। तो बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो मुझे बताइए इसमें बेस क्या बन गया, बेस क्या बन गया, सर्कल बन गया, हेलो बेस क्या बन गया है इसमें, सर्कल बेस बन गया है। तो लाइए भाई, बेस इज सर्कल, सर्कल इज बेस, छोड़ दो इसको, बेस जो है वो हमारा ब्रैकेट में लिख देता हूं, बेस जो है ना वो सर्कल बन गया। तो बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो बचपन में पढ़ते आए थे व्हाट इज द सर्कल, हम प्यार से कहते थे सर्कल इज अ राउंड शेप। जब हम छोटे थे तो हमें कहा क्या कहा जाता था, सर्कल के स्पेलिंग याद करें और साथ ही साथ ये बता दें कि सर्कल क्या है, तो हम सब क्या कहते थे, सर्कल इज अ राउंड शेप, ठीक है। आज यही राउंड शेप आपके सामने आ गई है, तो आप जरा देखिए इधर राउंड शेप, तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला बताना जरा बेटा, क्योंकि बेस का एरिया निकालना है, यानी कि सर्कल का एरिया निकालना है, तो बेस का एरिया क्या होगा बताना, पाई आर स्क्वायर, ये बेस का एरिया होगा, और हाइट क्या होगी, ये दो इनके बीच का डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगी, सिलेंडर की हाइट हो जाएगी। अगर मैं डायमीटर दे दूं तो आप क्या करेंगे उसको, डायमीटर के दे अगर डायमीटर, क्योंकि डायमीटर जो है ना वो 2R होता है,
तो रेडियस हो जाएगा डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, वो हम यहाँ पुट कर देंगे, रेडियस निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब सबसे पहला सवाल हमें दिया हुआ है, सिलेंडर दिया हुआ है, और सिलेंडर में सबसे पहले देखें ऊपर पाई की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, 22.7 नहीं, तो हम यूज करने वाले हैं 22.7 क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है और इसमें जो सवाल दिए हुए वो कैलकुलेटर से होंगे, यानी कि डेसिमल में वैल्यू दी तो वो लंबा ही काम हो रहा है, लेकिन हमें सीखना है तो जहाँ वर्किंग जो है वो रीजनेबल होगी ना तो वहां मैं आपको खुद बता दूंगा। अभी आप 22.7 लगाएं और पीछे आंसर भी 22.7 के हिसाब से लिखे हो। तो अभी हम पाई की वैल्यू लेने वाले हैं 22.7। तो मुझे बताइए जो सिलेंडर दिया हुआ पहला उसका रेडियस क्या है? 7। चले भाई मैं सिलेंडर वैसे बना लेता हूँ, उसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर। मीटर है या सेंटीमीटर है? सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। चले रेडियस आ गया मेरा 7 सेंटीमीटर। तो बेटा बताइए जरा रेडियस जब 7 सेंटीमीटर आ गया है तो उन्होंने क्या हाइट कितनी दी है सिलेंडर की? 12। लो भाई 12 सेंटीमीटर। क्या पूछा जा रहा है? वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया की भी एक नई कहानी है। पहले वॉल्यूम चेक कर लेते हैं फिर मैं सरफेस एरिया की गेम बताता हूँ। सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट होगा जरा इम्पोर्टेंट चीज है। तो पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम निकालने के लिए जगह बिल्कुल मुनासिब है। वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया यानी के पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो चलो बताओ 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस का स्क्वायर। 7 को दो दफा लिख दूं मैं, 7 को मैं दो दफा लिखूंगा। और हाइट कितनी दी हुई है? ये देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया। थोड़ा जल्दी से मल्टीप्लाई करें क्योंकि आपका काम भी है ना थोड़ा साथ साथ। बेटा काम करते रहे साथ साथ, नोट डाउन करते रहे ताकि मैं अभी मिटा दूंगा तो मैं अगली बात शुरू कर दूंगा। साथ साथ आप नोट कर रहे और मुझे साथ साथ वर्किंग बताएं। प्लीज पहले ये कर ले बाद में ये लिख लीजिएगा, पहले इसकी वर्किंग कर ले। चेक कर ले दूसरे स्टूडेंट चेक कर ले। 1 2 9 3 6 जल्दी बताइए 1 2 9 3 6 क्या ऐसा है? ये तो 154 आ जाएगा। 154 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1848। यूनिट क्या है ये? क्यूबिक सेंटीमीटर। वेरी गुड, आप बोलना सीख गए क्यूबिक सेंटीमीटर। बहुत सारे लोग अभी भी बोलते हैं सेंटीमीटर क्यूब, तो क्यूबिक सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ गई बेटा कैसे वॉल्यूम निकाल रहा हूं मैं इसका, मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे चलते हैं एक और चीज, ये सवाल तो हम कर लेंगे। जब डायमीटर आ जाए तो डिवाइड बाय 2 करके रेडियस लिख देंगे। अब तवज्जो करनी है आपने, टोटल सरफेस एरिया कैसे आएगा? टोटल सरफेस एरिया कैसे आएगा? तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बता दूं, तो टोटल सरफेस एरिया यहां से देखो कैसे आएगा, इधर देखो, मतलब इसका कर्व, इसका भी एरिया निकालना है और इसका भी निकालना है। बताओ इसका एरिया कितना होता है? और ये भी है पूरा निकालना है ना, ये भी पाई आर स्क्वायर, तो कितने हो गए? 2 पाई आर स्क्वायर। तो मैं ये लिखते हूँ ना 2 पाई आर स्क्वायर। अब मसला रह गया वो सारा गोलाई का डब्बा है ना, घी का डब्बा समझ ले। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा? तो अब जरा तवज्जो से एक बात बताओ, अगर मैं चाहता हूं कि ये इस जैसे सर्कल, एक्चुअल में इस जैसे एक सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर। एक सर्कल का बताओ सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। अब कोई बताएगा? एक सर्कल ये हो गया, सुनो एक सर्कल और आगे आ रहा है, फिर आगे आ रहा है, फिर आगे बहुत जाना है, बहुत कितना दूर जाना है, ये क्या है? कितनी हाइट तक 2 पाई आर लगाना है? तो हम करेंगे प्लस कर देंगे इन दो के एरिया में, प्लस कर देंगे 2 पाई आर, एक नहीं है कितने, जितनी हाइट में गया हुआ है। तो एच लिख देंगे, ये इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया। समझ आ गई बात? एक और बात समझाऊं, एक और फॉर्मूला मैंने लिखवाया था पैरामीटर और बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अच्छा इसको मैं मिटा दूं सिलेंडर को,
अच्छा एक मिनट, अब एक काम कर लेते हैं, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था ना, कौन सा फॉर्मूला था, इधर देखो, ये देखो मैंने क्या लिखवाया था, ये देखो मैंने लिखवाया था पैरामीटर ऑफ बेस। पैरामीटर ऑफ बेस क्या हुई, ये टू बाय आर और मल्टीप्लाई बाय हाइट आ गया एच प्लस टू बेस एरिया आ गया प्लस टू बाय आर स्क्वायर। वो फॉर्मूला लिखवाया था जो मैंने पैरामीटर और बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस टू बेस एरिया, तो ये वही फॉर्मूला वहां डिजाइन हो गया। मैंने आपको यहाँ इस तरीके से करके दिखाया। तो अब आप एक काम करते हैं, आइए जरा मैं इसकी थोड़ी सी वर्किंग करवा दूं, आप कैलकुलेशन आप खुद कर लेंगे। इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे आएगा, टू मल्टीप्लाई बाय 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 समझ आ गया, प्लस टू मल्टीप्लाई बाय 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 12। मेरे ख्याल से हाँ नजर आ गया है, ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया आपको। चलो जल्दी से इसी कैलकुलेशन करके सिंपलीफाई मैं कर देता हूँ थोड़ा सा, 7 से 7 कट गया, 44 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होगा, 44 मल्टीप्लाई बाय 7 308 प्लस 7 से 7 कट गया 44 मल्टीप्लाई बाय 12 12 कितना होता है 488। चेक कर लो जल्दी से बेटा, ये चेक करो 44 को 12 से मल्टीप्लाई करो 528। चलो बेटा प्लस कर दो, 836 क्या आ रहा है, स्क्वायर सेंटीमीटर, वेरी गुड, स्क्वायर सेंटीमीटर बोल रहे स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको जल्दी से कॉपी कर ले, वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर दे, अगली बात बाद में बताते हैं आप। भाई अब बात ये हो रही है, देखें अब बात वही है, वॉल्यूम इज इक्वल टू, मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ इस तरीके से क्योंकि अब हम काफी आगे निकल गए। अगर मैं आपको ये कितने इसके अंदर कितने अननोन है बताना, 5 तो पता है 22/7, अब बाकी कितने रहेंगे 1, 2, 3। अगर इनमें से मैं आपको वॉल्यूम दे दूं और हाइट दे दूं तो क्या फाइंड करना पड़ेगा, रेडियस। ये पाई कौन बोल, पाई तो वैसे ही पता है। एक मिनट, अगर मैं आपको वॉल्यूम दे दूं, रेडियस दे दूं, क्या फाइंड करना पड़ेगा, ये पेपर में सवाल आएंगे, ये मैं बता दूं। अब पहला सवाल बताना जरा मुझे क्या लिखा है, वॉल्यूम बताओ कितना गिवन है, और उसने पूछा डायमीटर निकाले। बेटा बात सुनो, ये देखो पूछ रहा है कि डायमीटर कितना होगा, ये पूछ रहा है वो, ये मैथमेटिशियन चैनल सबको नजर आ रहा, ये प्रिज्म नहीं है, प्रिज्म है जरा स्पेलिंग जरा और से नोट कर ले, यूट्यूब पर ये लिखेंगे तो सबसे पहला मेरे चैनल वहां पर डिस्प्ले होगा, ठीक है। अच्छा डायमीटर लो भाई, बेटा पहला क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड डायमीटर, बताइए रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस फाइंड करना है ना, जब भी जो डायमीटर आएगा वॉल्यूम कितना दिया बताइए, 704 क्यूबिक मीटर सेंटीमीटर, जी इधर देख ले जरा, और क्या है हाइट 14 सेंटीमीटर। चलो भाई फॉर्मूला लग जाएगा, ये इस फॉर्मेट में पुट करो, वॉल्यूम क्या है 704 इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू है 22/7 बताओ, और रेडियस नहीं मालूम, रेडियस आएगा तो डायमीटर आएगा ना, बताओ अगर मुझे रेडियस मिल जाता तो मैं कैसे निकालूंगा डायमीटर, डबल कर देंगे डबल, तो डायमीटर इज इक्वल टू 2r हो जाता है, तो मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी थी 14। चलिए एक काम करते हैं, यही से थोड़ा काम आसान कर लेते हैं, कैसे 7 to 14, ये देखो ये 2 है ना, ये 2 यहाँ जाके डिवाइड होगा, इसको डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, 2 3 6, 2 5 10, 2 2 4, और ये 22 भी नीचे आ जाएगा, जब ये 22 नीचे आएगा तो मेरे ख्याल से ये 16 बना देगा, चेक करके देखो 16 ही बनाएगा,
जरा देखना क्या बना रहा है, 16 बना रहा है, तो ये 16 बना दिया। तो चलो अब हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है, दोनों तरफ क्या लगा दोगे बताओ। अब ये मत समझना आर स्क्वायर इज इक्वल टू डायमीटर, गलत है। 2R इज इक्वल टू डायमीटर, आर स्क्वायर जो डायमीटर नहीं है, तो इसको इससे कैंसिल कर दिया, तो बेटा बताओ रेडियस कितना आ गया, बेटा रेडियस 4 सेंटीमीटर आ गया। अब ये सारे सवाल ऐसे ही करने, समझ आ गया, एक अननोन होगा तो बाकी दूसरा कैलकुलेट कर दे। इसको नोट डाउन करें, वीडियो को एक मिनट के लिए पॉज कर दें, इसको नोट डाउन कर दें और अगली वेरिएशन में आपको बता